हर हर महादेव। देखिए कर्मकांड से संबंधित बड़ा गहन प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुने। सूर्य प्रकाश कौशिक जी ब्राह्मण देवता हैं राजस्थान से। इनका प्रश्न है कि भगवान के आवरण पूजा के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। आवरण पूजा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में कृपया बतलावें। देखिए आवरण पूजन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इससे आनुषंगिक कुछ बातें और समझिए। पहले तो पूजन, आवरण पूजन देवता का, तो पूजन जो भी है वो उपचारों से होता है। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, शतोपचार इत्यादि। तो वो जो उपचार है, ये उपचारमयी पूजा का जो विधान है वो तंत्र शास्त्रों में ही है। मूल रूप से तंत्र को सुन करके, तंत्र का नाम सुन करके लोगों को लगता है कि मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कर दे, मार देना काट देना, ये तंत्रों में। नहीं नहीं, तंत्रों का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। तंत्रों का कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। हमारे यहां जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका परम तात्पर्य वेदों के किसी विशेष मत का प्रतिपादन करते हुए अंत में भगवत प्राप्ति ही है सभी ग्रंथों का। तो ये तंत्र का एक अंग ये भी है, वो सूक्ष्म एक अंग है, एक छोटा सा हिस्सा है। वो अघोर तंत्र कहिए या वाम तंत्र कहिए कि मारण मोहन वशीकरण, मतलब षडभिचार, षडभिचार जो है वो एक अंग है। बाकी के ये मूल वो ये विषय नहीं है उसका, तंत्रों का, सभी तंत्रों का, बड़े बड़े तंत्र हैं। तो देखिए पूजन का व्यक्ति अधिकारी कब बनता है, कैसा कैसा करने के बाद, एक थोड़ी सी संक्षिप्त में झलक देखिए। सभी संस्कार से संस्कारवान हो, संध्या इत्यादि कर चुका हो, और तंत्र की अगर कोई तंत्र की पूजा करनी है तो उसकी विशेष रूप से दीक्षा और उसके बारे में अध्ययन कर चुका हो, नित्य प्रति हमारी जो श्वास निकलती है वो आती जाती है, तो एक हंस गायत्री कहते हैं इसको, तो हंस गायत्री इसके बारे में बतलाएंगे आपको कि अजपा नाम गायत्री योगिनाम मोक्षदायिनी तस्याह संकल्प मात्रेण जीवन मुक्तो न संशय। अजपा नाम की जो गायत्री है, जो श्वास जाती है और आती है, तो यहाँ हंस और या सोहम इस मंत्र का जो जप होता है, सह हम या हम सह, उल्टा करें सीधा करें तो वो दोनों चलते रहते हैं। तो इसका फल जीव को नहीं मिलता। जब वह जीव संकल्प कर देते हैं कि ये आज से लेकर के अद्य सूर्योदयादारभ्य स्वस्तन सूर्योदय पर्यंतम षट शताधिक विंशति सहस्र संख्या कोच्छ्वास निश्वासाभ्याम सोहम हंस रूपाभ्याम गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम अजपा गायत्री जपं करिष्ये, तो उसको फिर इसका फल मिलता है। और इसका फल लिखा है कि जीवन मुक्तो न संशया, जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। नित्य प्रति इसका संकल्प होता है, भगवान को समर्पित किया जाता है। इसकी ये तो संक्षिप्त विधि है, और अगर विशेष विधि देखेंगे तो फिर लिखा हुआ है कि भाई ये जो हमारे षड चक्र हैं, इन षड चक्रों में कितने कितने चक्र का, कितने कितने दलों का जो है कमल है, उन उन दलों पर कौन कौन से इन चक्रों के देवता हैं, किस किस देवता के लिए कितनी कितनी अजपा गायत्री संकल्प करके समर्पित करनी है, ये सब है। तो स्नान संध्या वंदन करने के बाद फिर ये अजपा गायत्री का संकल्प करे, और इसके बाद भू शुद्धि, भूत शुद्धि होती है ना, अपने यहाँ की ये सब जो सब शुद्धि, स्थान की शुद्धि, और अपने पंच महाभूतों की शुद्धि, अपने आप का नित्य प्रति लय, और फिर अपना जो है पाप पुरुष का जो है
उसका दग्धन दग्ध करना, उसको जला देना, और फिर जो है अपना पुनः शरीर का निर्माण तथा अपने प्राणों की प्रतिष्ठा। ये भूत शुद्धि, भू शुद्धि के अंतर्गत आता है ये प्रकरण। तो अपने ये यौगिक प्रक्रिया से सृष्टि के, है ना, ये देखते हुए कि कुंडलिनी जो है अपने नाभि देश में है, वहां से उसको जगा करके हृदय प्रदेश में विद्यमान जीव को ले जा करके, और फिर सुषुम्ना नाड़ी से जाकर वो सहस्रार में बैठे हमारे इष्ट देवता से मिलन करवाती है। ये प्रक्रिया है, यौगिक प्रक्रिया है। अपने ये जो शरीर के पंच महाभूत हैं, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु को, वायु को आकाश में, आकाश को जो है फिर अहं तत्व में, अहं तत्व को महत्तत्व में, महत्तत्व को अव्यक्त तत्व में, और फिर उसको जो है मिला देना, ये जो संहारक क्रम है। इसके बाद फिर जो पाप पुरुष है, वो पाप पुरुष को बतलाया गया है कि हमारे बाएं कुच्छी में, बाएं कांख में पाप पुरुष का वास है, ऐसे ऐसे पाप में उसका सिर है, ऐसा हस्त है, ऐसा उसका पूरा वर्णन है। तो उसको जो है पंच महाभूतों के बीज मंत्रों का जप करते हुए, है ना, तो वो उसको अग्नि का बीज मंत्र बोलते हुए उसको जलाना है, वायु का बीज मंत्र बोलते हुए उसको सुखा देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है, राख बना देना है, और फिर उस राख में अमृत बीज मिला करके और फिर उसकी सृष्टि करनी है दोबारा, और सृष्टि करके फिर वही सृष्टि क्रम से और सृष्टि करके फिर अपना निर्माण करना है, फिर अपने में जो है प्राण शक्ति की प्रार्थना करते हुए प्राणों का आधान करना, प्राणों को प्रतिष्ठित करना, अपनी आपकी प्रतिष्ठा करनी है, और फिर सहस्रार में बैठे हुए अपने इष्ट देवता से मिलन करना है, और फिर उनके पूजा के योग्य बनना। तो पहले मानसी पूजा करके और फिर जो है उपचारमयी पूजा की जाती है, इसको अंतर्याग कहते हैं। अंदर ही अंदर बैठ करके फिर भगवान का चिंतन करना, अपने इष्ट देवता का चिंतन करना और वहां पूजन करना, ये प्रक्रिया है। तो अब देखिए कि ये इतनी विधि इत्यादि करके ये आवरण पूजा के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो जैसे कि पूजन का सभी क्रम जिस प्रकार जितना भी आपने रखा है वो सब करके प्रधान देवता की जो वेदी है, सर्वतो भद्र आदि मंडल या जो भी है, या केवल देवता का पूजन करना चाहते हैं तो वहीं से शुरू कर देना, लेकिन सर्वतो भद्र मंडल इत्यादि से करना, यज्ञ इत्यादि में करना, तो समस्त गणपति का पूजन, गणपति मंडल का, योगिनी का क्षेत्र और ये वास्तु का पूजन, मंडप पूजन, और फिर अग्नि स्थापन, और फिर जो है क्षेत्रपाल का पूजन, और फिर क्षेत्रपाल का पूजन पूर्वक, है ना, और फिर अग्नि स्थापन, ये है कि वास्तु पूजन, मंडप पूजन, क्षेत्रपाल पूजन और फिर अग्नि स्थापन, जिस कर्म की जो अग्नि बतलाई गई है वो करके, और फिर नवग्रहों का स्थापन पूजन इत्यादि करके तब प्रधान मंडल पर आते हैं। तो ये क्रम मैं पूरा बतला दे रहा हूं, जहां तक जितना जैसा जैसा हो वैसा वैसा करना रहता है। नित्य पूजन में ये आवश्यक नहीं है, ये यज्ञ की प्रक्रिया में ये होता है। तो सर्वतो भद्र मंडल या जो भी मंडल बनाया है उस मंडल पर उनका पूजन करके अब देखते चलिएगा, इसके ऊपर जो है कलश, कलश का पूजन करते हैं, और कलश के ऊपर फिर ये जो है पूर्ण पात्र रखते हैं, उसमें वो जो पीठ देवता होते हैं। तो हमारे यहां जो भी इष्ट देवता है वो जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो परब्रह्म के रूप में ही उसका जो है चित्रण किया गया है, क्योंकि वो सब उनके ही रूप हैं। तो वहां पीठ देवता हैं, और वे पीठ देवता इस प्रकार बतलाए गए हैं तंत्र शास्त्रों में कि वो स्थिति है, एक पूरे ब्रह्मांड की स्थिति का भी वो दर्शन कराते हैं कि हमारे इष्ट देवता और वो कैसे कैसे विद्यमान रहते हैं, कहां विराजमान रहते हैं, तो वो आप इससे देख भी सकते हैं। ये पीठ देवता होते हैं, तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले पीठ देवता है मंडूक, मंडूक से लेकर के परतत्वांत पीठ देवता होते हैं। तो इनकी स्थिति देखेंगे, मंडूक माने वैसे होता है मेढक, ये सब वो सब देवतामय ही है सब, तो एक बहुत बड़ा जो है विशाल जो है मंडूकमय देवता है। उनके ऊपर जो है कालाग्नि रुद्र की स्थिति है, और उनके ऊपर आधार शक्ति है,
और फिर उनके ऊपर कूर्म भगवान की स्थिति है और कूर्म के ऊपर अनंत देवता की अनंत शेषनाग की स्थिति है, शेषनाग जो है, और उन शेषनाग के अनंत सिरों पर एक सिर में जो है सिद्धार्थ पीली सरसों के समान वो पृथ्वी देवी है, ये देवता है, ये मंडूक इत्यादि देवता, उसके ऊपर क्षीर सागर। तो पृथ्वी में जो क्षीर सागर है, सप्त सागरों के मध्य में जो क्षीर सागर है, वो उसमें क्षीर सागर में एक रत्नमय द्वीप है, तो रत्न द्वीपाय नमः ऐसे इनका पूजन हो रहा है ना, मम मंडूकाय नमः, कंकालाग्र रुद्राय नमः, अंग आधार शक्ताय नमः, कुंकूर्माय नमः, अंग अनंताय नमः, ना पम पृथ्व्यै नमः, क्षीण क्षीर सागराय नमः, ऐसे पूजन होता है। तो ये जो पूजन वाला क्रम ना हम जो है उसका समझाते हुए बतला रहे हैं। उसके ऊपर रत्न द्वीप है, किसमें? क्षीर सागर में, तो रत्न द्वीपाय नमः। उस रत्न द्वीप के ऊपर एक रत्नों का बना हुआ बहुत बड़ा मंडप है उसमें भी, और उस मंडप के ऊपर जो खड़ा हुआ है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे जो मंडप है और उसके नीचे बनी हुई है रत्न वेदी, रत्नमय वेदी, रंग रत्न वेदिका यही नमः, इस तरीके से पूजन होगा। और उसके नीचे बना हुआ है एक जो है रत्नों का सिंहासन, इस तरीके से। अब वो रत्न सिंहासन है तो उसके चार सिंहासन के चार चरण होते हैं, चार और चार उसके जो है सिरे होते हैं, तो वो धर्ममय आग्नेय का जो है सिंहासन का पद वो धर्ममय है, नैऋत्य का ज्ञानमय है, वायव्य का जो है वैराग्यमय है और ईशान का ऐश्वर्यमय है। तो इस तरीके से इनका पूजन होगा। और वे जो सिर हैं जिनको सिरा या पाटी कहते हैं वे पूर्व की जो है वो अधर्ममयी है, देखिए इनकी भी वही स्थिति है इष्ट देवता के पास, और दक्षिण की जो सिरा है वो अज्ञानमय है, पश्चिम का अवैराग्यमय है और माने अज्ञानमय है, और उत्तर का अनैश्वर्यमय है, ये है। इस तरीके से पीठ में भी, पीठ के मध्य में भी देवताओं की स्थिति है, आनंद कंद और संविन्नाल और सर्वतत्व कमलासन और प्रकृतिमय पत्र। अब वो कमल का आसन बना हुआ है उसके सिंहासन के ऊपर, उसमें भी प्रकृतिमय पत्र है और विकारमय उसमें केसर है जो कमल की होती है, और उसमें भी ये पंचाशद वर्णमय ये जो मातृका है आ से लेकर के क्ष तक ये सब वो कर्णिका है, और उसमें अर्क मंडलाय द्वादश कलात्मने नमः। फिर अर्कमय जो सूर्य की जो 12 कलाएं उनके मय जो है वो उनका मंडल है, फिर उसके अंतर्गत सोम मंडल है जो 16 कलामय है, और उसके ऊपर जो वन्नी मंडल है जो 10 कलात्मक है, फिर सत्व और रज और तमस के 3 मंडल हैं, उसके ऊपर आत्म तत्व का मंडल है, फिर परमात्म तत्व का है, फिर अंतरात्मा तत्व का है, फिर विज्ञान तत्व ज्ञानात्म तत्व है, फिर माया तत्व है, उसके ऊपर जो है कला तत्व है, फिर विद्या तत्व है और फिर पर तत्व है, और उसके बीच में वहां हमारे इष्ट देवता की स्थिति है, तो उनका पूजन करना है। तो वो मुख्य रूप से वो देवता का स्थान है पर तत्व के बीच में, फिर मुख्य देवता जो हमारे इष्ट देवता हैं उनका स्थान है। तो इन सब का पूजन करते हुए अब जो है इष्ट देवता है, तो इष्ट देवता का फिर होता है आवरण। अब जो आपने पूछा था कि आवरण पूजन, तो अब वहां होता है आवरण। तो आवरण क्या है देखिए, तो प्रत्येक देवता, ये तो पीठ देवता हुए, इस तरीके से कुछ पीठ शक्तियां हैं, वे ये पीठ देवता तो सभी देवताओं के एक ही है, और पीठ शक्तियां 9 होती हैं, वो प्रत्येक देवता की देवी की अलग अलग शक्तियां होती हैं, उनका भी पूजन होता है, और उसके बाद आवरण पूजन का नंबर आता है। तो आवरण क्या है कि जो हमारे देवता इष्ट देवता मध्य में विराजमान हैं, तो उनके जो सन्निकृष्ट जो सेवक होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, जो उनके साथ चलने वाले होते हैं, वो सबसे पहले मंडल में उन देवता के चारों तरफ विराजमान होते हैं, और फिर उसके बाद और जो देवता हैं जो उनसे थोड़े से आगे हैं उन देवताओं की स्थिति है, फिर और देवता, इस तरीके से देवी देवताओं में ये आवरण होते हैं। आवरण माने परकोटे,
बीच में उस मध्य में बिंदु में, जैसे हम यंत्र बनाते हैं, हर देवता का यंत्र है, तो यंत्र में जो मध्य में जो बिंदु होता है वो प्रधान देवता का स्थान होता है, प्रधान देवता का स्वरूप होता है, और उसके फिर चारों तरफ त्रिकोण है, षटकोण है ना, जो फिर अनंत षोडश दल है, अलग अलग तरीके के हर देवता के जो है यंत्र है। तो वो यंत्र यही है, यंत्रों में आवरण होते हैं, कि जैसे कि किसी के पंचावरण है, किसी के एकादशावरण है, द्वादशावरण है, चतुर्दशावरण है, षोडशावरण है ना, अलग अलग आवरण है कम ज्यादा सब देवताओं के, देवियों के। तो वो देवी या देवता मध्य में है, उनके चारों तरफ वे देवता और फिर और देवता, फिर और देवता ये बैठे हुए हैं। फिर वो यंत्र है जो उसके गोपुर है, माने चार दरवाजे हैं, वो सभा यंत्र आवरण का माने आप ये समझ सकते हैं, उस देवता की संपूर्ण सभा। वो देवता मध्य में विराजमान है, उच्च सिंहासन पर विराजमान है, और उसके साथ में वो सभी उनकी पूरे सभा विराजमान है। तो जो यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवती का जो है आवरण है तो उसमें विष्णु भगवान, शिव आदि और भी उन देवी के और जो स्वरूप हैं वे सब आवरण में बैठे हुए हैं, और शिवजी अगर मध्य में है तो वहाँ जो जगदम्बा इत्यादि ये सब आवरण में वहाँ बैठी हुई हैं। इसी तरीके से विष्णु मध्य में है तो शिव इत्यादि बैठे हुए हैं, शिव बीच में है तो विष्णु इत्यादि चारों तरफ बैठे हुए हैं। जैसे नवग्रह मंडल में ही आप देखेंगे, जैसे बुध है तो बुध के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता रूप में दोनों में ही विष्णु है, बुध के अधिदेवता भी विष्णु है और बुध के प्रत्यधिदेवता भी विष्णु है। तो ये ऐसा नहीं मानना है कि भाई कहीं आज ये छोटे हो गए, ये बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। तो उस सभा में जैसे कोई विराजमान है, अब जैसे दूल्हा है तो अब दूल्हा मध्य में विराजमान है तो और सब लोग भी तो वहां होंगे, और सब घर के दूल्हा का पिता दादा आदि ये भी बारात में होते हैं। तो ये सब मुख्य देवता जो है जिनका पूजन करना है, जो हमारे इष्ट देवता वो मध्य में है, और सभी देवताओं के जो आवरण होते हैं। इस तरीके से फिर आवरण का पूजन होता है। तो पूजन में सबसे पहले मुख्य देवता का पूजन हो करके और पुष्पांत पूजन हो जाता है पुष्प तक, और पुष्प के बाद फिर जो है प्रथम आवरण का, द्वितीय आवरण का, जितने आवरण होते हैं उन सबका पूजन हो करके, और फिर धूप से लेकर के और संपूर्ण देवता का सांगायी सपरिवार आयी या सांगाय सपरिवार आय सायुधाय पीठावरण देवता सहिताय अमुक देवाय नमः, इस तरीके से फिर पूजन होता है सबके साथ, और फिर आरती इत्यादि तक पुष्पांजलि मंत्र प्रार्थना इत्यादि ये सब पूजन होता है। तो आवरण पूजन में, आवरण पूजन का नियम है कि भाई फिर देवताओं को बीच बीच में समर्पित करते चलते हैं है ना, और वो जो है एक बाएं हाथ से तर्पण करते चलते हैं, दाएं हाथ से पुष्प आदि से गंधाक्षत पुष्प के द्वारा उनका पूजन करते चलते हैं, ये सब प्रक्रिया है। अब पूजन की विधि तो आपको ये सब मंत्र महारणव ग्रंथ में, शारदा तिलक में, मंत्र महोदधि में इत्यादि ये जो तांत्रिक ग्रंथ हैं इनमें आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ही पूजन का क्रम है। ये बहुत विस्तार से तो नहीं पर संक्षिप्त से ये आवरण पूजन के बारे में बतलाया, और इसके साथ में और भी कुछ जानकारी आपको दी है। ये देख करके समझ करके आप समझ सकते हैं कि कर्मकांड में किस तरीके से पूजन का विधान है। ये पूजन का विधान प्रत्येक देवता का है ना। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने भी श्री राम भद्र का पूजन रामायण मीमांसा में पीछे से लिखा है, आप वहां देख सकते हैं है ना। और भगवती का, दुर्गा जी का, भगवान शंकर का पूजन ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय में इस तरीके से दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं है ना। और मंत्र महारणव इत्यादि ग्रंथ में इस तरीके से, शारदा तिलक में, इनमें तो कई देवताओं का पूजन इस प्रकार दिया है, आप वहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी। हर हर महादेव।